छत्तीसगढ़ विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरण दास महंत ने भिलाई के कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव की छत्तीसगढ़ पुलिस द्वारा गिरफ्तारी की निंदा की है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि बलौदा बाजार की हिंसक घटना भाजपा सरकार एवं प्रशासन की लापरवाही का नतीजा है। उन्होंने आरोप लगाया कि इस घटना का राजनीतिकरण करके समाज को लड़ाने की साजिश की जा रही है। आज जिस ढंग से देवेंद्र यादव को गिरफ्तार करने का षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी ने रचा है, ये अत्यंत दुखद है। बलौदा बाजार में हुई घटनाएं न सिर्फ छत्तीसगढ़ के लिए वरन पूरे देश के लिए एक ऐसी घटना है जिसमें पूरे समाज को झकझोर दिया है, खासकर के सतनामी समाज को। ये एक ऐसी घटना है जिसे समाज को बांटने के उद्देश्य से किया गया ऐसा लगता है। ऐसी घटनाओं में राजनीति करके भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस की ओर इशारा करना चाहती है कि यह घटना कांग्रेस के द्वारा प्रेरित थी, जो अत्यंत दुखद है, गलत है और इस तरह के बातों से किसी भी सरकार को बचना चाहिए। मैं तो विशेष रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है छत्तीसगढ़ में, इसे दोष देना चाहूंगा, आरोप लगाना चाहूंगा कि ऐसे घटनाओं को आप कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की राजनीति से अलग रखते हुए, हमारी एक सामाजिक आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए सामाजिक समरसता के नाम से काम करें, सामाजिक भाईचारे के नाम से काम करें। ये ऐसी घटना नहीं है कि जिसे एक दिन में भूला जा सकता है, मगर अगर हम इस घटना को अगर कांग्रेसी और भाजपाई के नाम से देखने लगे, जबरदस्ती किसी को गिरफ्तार करके आप उस घटना को कांग्रेसी द्वारा प्रेरित घटना बताएं, ये बहुत गलत बात है। मैंने अनेक सवेरे से प्रयास किया है, मैंने स्वयं अध्यक्ष महोदय से कहा कि आप जाके देखिए क्या हो रहा है, और मेरे प्रयास के बावजूद भी, अनेक प्रयास के बावजूद भी हम सफल नहीं हो पाए और देवेंद्र को वहां जाना पड़ा। ये बहुत दुखद है और खास करके तब जब रक्षाबंधन का त्यौहार भारतीय जनता पार्टी को, कि ऐसी घटनाओं को कांग्रेस की ओर ढकेलने की कोशिश न करें, कांग्रेसीकरण को करने की कोशिश न करें, ये अत्यंत दुखद है और हम इसके लिए बहुत 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 कांग्रेस जन दुखी है और कांग्रेस जन देवेंद्र यादव के पीछे खड़ा है, हम सब साथ हैं।